गृहस्थ जीवन में भगवान की सेवा, राजा आस्करण जी की प्रेरणादायक कहानी। लोगों का भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल भिक्षुक बनकर ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफी महान संत हुए हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल प्रभु के हो जाए और अपने मन वचन और कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। आस्करण जी का जीवन परिचय। आस्करण जी पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम श्री राधा मोहन जी था। ये आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। श्री राधा मोहन जी आस्करण जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहते थे। आस्करण जी ने एक चौकीदार को पूजा गृह के बाहर सेवा में लगाया था और उसे आदेश दिया था कि कोई उनकी सेवा में विक्षेप ना डाल पाए। उनका रोजाना 10 घड़ी 4 घंटे की सेवा करने का नियम था। दिल्ली के बादशाह का आगमन और विवाद। दिल्ली का बादशाह किसी कारण से आस्करण जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे उनसे तुरंत मिलवाया जाए। उससे प्रार्थना की गई कि महाराज ये असंभव है। इस समय आस्करण जी अपने ठाकुर जी की सेवा में है और उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा ना डाले। बादशाह ने आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया, पर किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। बादशाह को इस बात से बहुत कष्ट हुआ। उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश किया कि उन सबको दंड दिया जाए और आस्करण जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आस्करण जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। आस्करण जी ना तो शिकार खेलते थे ना ही किसी को दंड देते थे। वह केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन करते थे। पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज की जरूरत होती वह उसे राज दरबार से ले जा सकता था। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह ने कहा, मेरा आखिरी हुक्म है कि आस्करण जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे और नरवरगढ़ को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, आप समझिए, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं? आप बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख लीजिए कि आस्करण जी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आपको रोक भी नहीं सकते। आप जाकर बात कर लीजिए। आस्करण जी की भक्ति की परीक्षा। बादशाह को लगा कि बात सही है, क्योंकि ये हमारे ही अनुकूल राज्य है, कोई वैरी तो है नहीं। बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आस्करण जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आस्करण जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें ये पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने न तो नजर उठाए, न बात की और न ही रुके। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा कि ये न तो मेरी तरफ देख रहे हैं, न बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई, पद का बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी। लेकिन आस्करण जी ने न दंडवत रोकी
ना बादशाह को मुड़कर देखा। उनके पैर से खून की धार बहने लगी। उन्होंने एक आह भी नहीं भरी और न ही रुके, वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आस्करण जी खून से लथपथ हो रहे थे, परंतु कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे थे। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया और वह सोचने लगा, ये तो अपराध बन गया, ये कोई नाटक नहीं कर रहे, ये तो सच में महान भागवत है। जो पद का अभिमानी होता है वो नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। आस्करण जी की धैर्यशीलता और बादशाह का पश्चाताप। आस्करण जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर उन्हें मध्याह्न विश्राम करा दिया। तब तक उनके पैर से खून बह रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, पर उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आस्करण जी की धैर्यशीलता और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। न तो तुम्हारी भारी कुटी पर कोई रोष है, न तुम्हें पीड़ा हो रही है और न कोई थकावट दिख रही है। मैं आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। ये सामर्थ्य आप में कहाँ से आई कि आपने एड़ी कटने और खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी? बादशाह ने जब बैठकर आस्करण जी के संत भक्ति के विषय में बात की तो उसके आंसू निकल आए। संत की संगति का यही प्रभाव होता है। बादशाह ने अपनी कीमती रुमाल निकाली और घुटने टेक कर तत्काल अपने हाथ से आस्करण जी के चरणों में पट्टी बांधी और कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है जो मुझे आप जैसे भक्त की निष्ठा के दर्शन हुए। बादशाह ने अत्यंत प्रसन्न होकर आस्करण जी से पूछा, आपको कैसे सुख प्रदान करें? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते हैं, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शासन लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आ सकते हैं, न आए तो भी आपके राज्य पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। भगवान के चरणामृत का चमत्कार। श्री आस्करण जी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव नहीं था। उनकी सेवा प्रातःकाल से ही प्रारंभ होती थी। उन्हें बस एक चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उसी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया कि आस्करण जी को चरणामृत पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। वह सेवक रात्रि में ही आस्करण जी के पास गया और बोला, महाराज ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे स्वस्थ होकर सुबह सेवा में गए। विपक्षी राजा का आक्रमण और भगवान की कृपा। एक बार एक विपक्षी राजा ने आस्करण जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब आस्करण जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, प्रभु हमसे मार काट नहीं होगी, सब में आप ही विराजमान हैं, अब हमसे युद्ध नहीं होगा, इसलिए या तो मुझे राजपद से हटाओ या मुझे कहीं एकांत में ले चलो जहां मैं आपके लिए रो सकूं और तड़प सकूं, लेकिन ये तलवार उठाना अब मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है।
उन्होंने पूरी सेना को सजाया और सभी से कहा, मंजीरा लो और नाम कीर्तन करो। वे स्वयं भी कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते हुए सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। तभी अचानक आकाश में मेघ भर आए और शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर आस्करण जी के पक्ष में जहां नाम कीर्तन चल रहा था वहां बस हल्की वर्षा होती रही। इतने बड़े बड़े ओले पड़ने से शत्रु भाग गए और शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब शत्रु पक्ष भाग गया तो विपक्षी राजा आस्करण जी के चरणों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस कोटि के महाभागवत हैं। ये है अनन्य भक्ति का प्रताप। यदि हम अपने प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम जप और प्रभु के गुणों का गायन करते हैं तो किसी में ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि से आप सभी के जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि सदैव बनी रहे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।